दोस्तों इस वीडियो को हमारा टॉपिक है रेटिना। पहले वीडियो में हम लेंस एनाटॉमी और आपका एग्जामिनेशन कर चुके हैं। रेटिना के अंदर जो जो आपके डिजीज हैं, वो जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपके हम एक आपको कवर करना करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेटिना है, देखिए रेटिना की मैंने एनाटॉमी में बताया था। रेटिना की मेन लेयर होती हैं 10 लेयर, ठीक है। 10 लेयर में आपको क्या होता है, जो ऊपर वाली लाइन लेयर है, एक रिचुअल लास्ट लेयर आउटर लेयर RPE, रेटाइनल पिगमेंट एपिथिलियम, पिगमेंट एपिथिलियम। यदि इन दोनों सेपरेशन हो जाता ना, उस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों रेटाइनल डिटैचमेंट। देखिए 9 लेयर हैं, उनको आप कैसे याद कर सकते हैं। तो इनर मोस्ट लेयर होती है, वो इनर लिमिटिंग होती है। जो लास्ट 9th लेयर होती है, वो एक्सटर्नल लिमिटिंग होती है। उसके बीच में आती है गैंग्लियन लेयर, उसके बाद इनर रिफ्लेक्सिव फॉर्म, इनर न्यूक्लियर, आउटर रिफ्लेक्सिव फॉर्म, आउटर न्यूक्लियर। ऐसी है कि ये लेयर है, इतना हार्ड है नहीं याद करना। तो आपको एक बार बस उनके नाम पता होना चाहिए। स्क्वेंस से यदि नहीं होगा तब भी काम चलेगा, ठीक है। तो आपकी ये लेयर की बात हुई। रिटाइनल डिटैचमेंट मतलब इनर 9 लेयर है और आउटर 1 लेयर है, उससे सेपरेशन हो जाता है। तो उसे क्या कहेंगे हम, आपका रिटाइनल डिटैचमेंट, ठीक है। बोला भी नहीं जा रहा, रेटिनल डिटैचमेंट। तो इसमें से क्या होता है दोस्तों, इसकी हमें एक आर्टरी सप्लाई पता होना चाहिए। आर्टरी सप्लाई क्या होता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ठीक है, सीलियरी आर्टरी, जो आपकी रेटिना को सप्लाई करती हैं। वेन ड्रेनेज कौन सा होता है, सेंट्रल रेटिनल वेन में। तो इनसे आपका जो डायबिटिक चेंज आते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, वो उनसे इफेक्ट होता है इन आर्टरियों की वजह से। तो पहले हम बात करें रेटिनल डिटैचमेंट की, आरडी क्या होता है। एक तो रोमेटोगस होता है, रोमेटोगस 1 टाइप, नंबर 2 ट्रैक्शनल, और तीसरा होता है एग्जुडेटिव। रोमेटोगस क्या होता है दोस्तों, कि जब आपका विट्रस जेल है, विट्रस फ्लूड है, वो नॉर्मली जेल होता है, यदि उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसके अंदर कोई टी ए ट्यूबर हो जाए ना, तो विट्रस फ्लूड से रेटिना में जाने के चांस रहते हैं। वो अंदर जाएगा तो डिटैचमेंट करवा देता है, ठीक है। रूमेटोगस ये टाइप हो गया। सेकंड दोस्तों आता है ट्रैक्शनल। ट्रैक्शनल क्या होता है कि जो न्यू वस्कुलराइजेशन रेटिना के अंदर वस्कुलराइजेशन और हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मोस्ट क्लासिकल एग्जांपल है डायबिटिक रेटिनोपैथी, वहाँ पर आर्टरी ब्लॉक होती हैं, आपका न्यू वस्कुलराइजेशन होती है और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होता है। तीसरा दोस्तों आता है एग्जुडेटिव। एग्जुडेटिव क्या होता है, जो क्रोइड है, क्रोइड ऊपर लेयर है, वहाँ से भी फ्लूड आती है ऊपर से और उसको डिटैच कर देती है रेटिना को, तो उसे बोलते हैं एग्जुडेटिव। तो ये हमने टाइप बात की एग्जुडेटिव की। तो इनकी सर्जरी होती है, इनको हम विट्रियोरिटेनल सर्जरी करते हैं, इनको इन कंडीशनों को प्रिवेंट करने के लिए, ए एंड बी को, ठीक है। तो ये हो गई हमने बात की रेटिनल डिटैचमेंट की। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या आता है इसके अंदर, नेक्स्ट जो रेटिना की डिजीज़ है वो दोस्तों आती है आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है दोस्तों, जैसे जैसे डायबिटीज होती है, वहाँ पर आपके आई के अंदर जो आर्टरी हैं, वहाँ पर तुम्हारे ब्लॉकेज के चांस बढ़ते हैं। ब्लॉकेज के चांस बढ़ते हैं तो आई आप अपनी सप्लाई नहीं ले पाता है उन आर्टरियों से, जो मेन आर्टरी होती हैं। उसी के कारण क्या होता है, स्टेज बता देता हूँ मैं, ये 2 टाइप का होता है, नॉन प्रोलीफ्रेटिव एंड प्रोलीफ्रेटिव। नॉन प्रोलीफ्रेटिव दोस्तों माइल्ड हो सकता है, मीडियम हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। इसके स्टेज कौन से हैं, पहले माइक्रो एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म मतलब नैरोइंग, एन्यूरिज्म मतलब डायलेशन, अब नॉर्मल डायलेशन। तो माइक्रो एन्यूरिज्म होता है इसके अंदर, पहले माइक्रो एन्यूरिज्म होगा, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका एग्जुडेट है वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, हार्ड एग्जुडेट, हार्ड एंड सॉफ्ट एग्जुडेट डिपॉजिट हो जाते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसको नॉन प्रोलीफ्रेटिव बोलते हैं। एक कंडीशन उसके बाद आती है, तो इन्हीं को ओवरकम करने के लिए दोस्तों एक नया मैकेनिज्म होता है, न्यू वस्कुलराइजेशन। न्यू वस्कुलराइजेशन क्या होता है, जो आयरिस के अंदर, रेटिना के अंदर न्यू वेसल फॉर्म हो जाती हैं, इसी कारण हमें क्या हो सकता है, विट्रस हेमरेज हो सकता है,
और ट्रैक्शनल रिटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है। तो ये दो कंडीशन आती हैं प्रोलिफरेटिव में, और इसका हमें इलाज करने की जरूरत नहीं होती है, हम कंजर्वेटिव इलाज करते हैं, और इसका हमें सर्जरी करनी पड़ती है। ये दोस्तों हमें पता होना चाहिए नॉन प्रोलिफरेटिव क्या है, प्रोलिफरेटिव क्या है, इसमें कौन स्टेज हैं, इसके अंदर कौन स्टेज हैं, बीच में न्यू वैस्कुलराइजेशन आता है, ये आपकी आती है रिटाइनल डिटैचमेंट। यार ये नाम भी ऐसा है, ठीक है, रिटाइनल डिटैचमेंट। नहीं तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दोस्तों रिटाइना के अंदर, वो आता है दोस्तों मैकुलर एडिमा। शॉर्ट नोट आता है आपका, इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। रिटाइना होता है जो सेंट्रल पार्ट पर होता है, वो होता है फोविया, और उसके सराउंडिंग कुछ एरिया होता है उसको बोलते हैं मैक्यूला। यदि इसके अंदर सारे सभी लेयर नहीं होती हैं, 10 की 10, इसमें से 5 लेयर होती हैं। यदि उनमें से जो आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है उसके थ्रू यदि फ्लूड भर जाती है तो उसी कंडीशन को बोलते हैं, उसमें उसके कारण एडिमा होगा, उसी कंडीशन को बोलते हैं सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा। उस दोस्तों समझ में आया कि मैक्यूलर एडिमा क्या है, मैक्यूला क्या है, फोविया क्या है, और हमने कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है। तो ये बात हुई मैक्यूलर एडिमा की। नेक्स्ट जो इसके अंदर कंडीशन आती है दोस्तों, वो आती है आपकी डिस्ट्रोफी। दो टाइप देखिए, जो एक तो डिस्ट्रोफी होती है, डिस्ट्रोफी मतलब जो हेरिटेबल प्रेजेंट एट बर्थ, और जो एक होती है डिजनरेशन, जो बाद में डिजनरेट हुआ एज के साथ, उसमें आता है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। और इसमें आता है दोस्तों मेन पढ़ना है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। क्या होता है दोस्तों, इसकी तीन क्लासिकल वो होती हैं, एक आपका पेलर वैक्सी पेलर डिस्क होता है, ऑप्टिक डिस्क होता है दोस्तों इसके अंदर, और जो इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है ना, वो रोड ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं मोर देन कॉन्स। यदि रोड ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी दोस्तों तो आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस इसके अंदर होगा, और इसके जो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होता है, रिसेसिव भी होता है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट और ये दोस्तों अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, मतलब इसका जो जेनेटिक पैटर्न है वो हमें पता होना चाहिए कौन सा है, आप एक बार देख जरूर लेना। उसके बाद आता है दोस्तों रेटिनल पिगमेंटोसा के अंदर, हमने देखा रोड ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, कौन ज़्यादा कम इन्वॉल्व होती हैं, इसके अंदर जो हमें ऑप्टिक डिस्क या वैक्सी पेलर दिखता है, और ये आपका एट बर्थ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन थी ARMD, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। क्या होता है दोस्तों, ये रेटिना है, उसके ऊपर वाला कोरोइड है, इन दोनों के बीच एज के साथ कैपिलरी फॉर्मेशन हो जाता है। कैपिलरी फॉर्मेशन होगा, वहाँ से फ्लूड रिलीज होगा, तो आपका ये मैक्यूला है, ये आपका कोरोइड है, तो यहाँ पर एडिमा, फ्लूड रिलीज होगा तो एडिमा होगा, और आपका ये मैक्यूला रीजन है वो डिजनरेट कर जाता है। डिजनरेशन मतलब काम करना थोड़ा कम कर देता है धीरे धीरे, तो इसी कारण एट्रोफी भी बोल सकते हैं, धीरे धीरे एट्रोफी, उसका इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसके कारण उसके फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो वो होता है दोस्तों एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, ठीक है। इसके अंदर एक लास्ट जो टॉपिक आता है रेटिना के अंदर, वो टॉपिक आता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी ROP। ये क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली एक चाइल्ड है, उसका ऑप्टिक डिस्क शुरू में 20 में होती है, फिर धीरे धीरे वो लास्ट पीछे जाती है। यदि बच्चे का जन्म जो नॉर्मल डिलीवरी टाइम होता है, यदि उससे पहले हो जाता है तो क्या होगा कि ये पहले यहाँ तक जान नहीं पूछा होगा, नहीं पूछेगा ना, मान ली रास्ते में यहाँ था, यहाँ पर उसका बर्थ हो गया। नॉर्मली आपका जो इंट्रायूटराइन है वहाँ पर अच्छी तरह डेवलपमेंट होता है, पर यहाँ नहीं, आगे नहीं पूछा, इसके कारण क्या होगा, यहीं पर वैस्कुलराइजेशन फॉर्म हो जाती है। यहीं वैस्कुलराइजेशन होगा तो इसकी कॉम्प्लिकेशन होंगी, आपका ग्लूकोमा हो सकता है, विट्रस को भी इफेक्ट कर सकता है, तो ये कंडीशन आती है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। दोस्तों जो कॉमन डिजीज़ है
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है वो मैंने आपके इस वीडियो में डिस्कस की। होप कि दोस्तों इन वीडियो से एक आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ हमें कौन से टॉपिक है, कौन से क्या क्या पढ़ना है। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।